हेलो एवरीवन, दिस इज़ सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज का हमारा टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव और विल हैव। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो फॉर्मेशन होती है तीनों सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, वो कैसी होती है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें सिंपली हम अपनी बात कह देते हैं, यानी कि जिसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा होता, जिसका ना में उत्तर नहीं होता, जो ना ना जिसमें नोट नहीं लगा होता, वो कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो क्या देखते हैं हम इसकी फॉर्मेशन। सबसे पहले किस में देखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिनमें सिंपली हम अपनी बात कह देते हैं, जैसे आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर मॉर्निंग। आई शैल, आई है तो इसके साथ शैल हैव लगेगा। आई शैल हैव फिनिश्ड, आई शैल हैव फिनिश्ड क्या कर चुके थे? आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर मॉर्निंग। तो क्या है, मॉर्निंग से पहले क्या कर चुके थे? काम कर चुके थे। तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। प्लस क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्लस क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट है। और बाद में क्या है इसमें? ये टाइम बताया हुआ है। और बाद में क्या है? फुल स्टॉप है। तो ये इसकी फॉर्मेशन होती है। आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर मॉर्निंग। द वर्क बिफोर मॉर्निंग, हाँ उसके बाद ही टाइम आया है। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर यदि टाइम दिया हो तो टाइम, और बाद में फुल स्टॉप लगता है। द फार्मर विल हैव रीप्ड। द फार्मर थर्ड पर्सन है तो विल हैव रीप्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो सब्जेक्ट आ गया विल हैव, प्लस में हेल्पिंग वर्ब आ गई विल हैव, बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई विल हैव रीप्ड। क्या कर चुके? रीप्ड द हार्वेस्ट। अब ऑब्जेक्ट आएगा द हार्वेस्ट, रीप्ड द हार्वेस्ट कब कर चुका होगा? बिफोर अप्रैल, अप्रैल से पहले। तो अप्रैल से पहले क्या है, जो फसल है उसे काट चुका होगा। द फार्मर विल हैव रीप्ड द हार्वेस्ट बिफोर अप्रैल। तो ये इसकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में थी। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में इसकी फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है। नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें इसकी फॉर्मेशन होती है आई शैल हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क। सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नोट लगा होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि नोट कहाँ लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आई शैल नॉट हैव, पहले सब्जेक्ट आ गया, बाद में शैल या विल, बाद में क्या आएगा? नॉट, बाद में क्या आएगा? हैव, बाद में क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क, फिनिश्ड शैल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर मॉर्निंग। आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर मॉर्निंग, में सुबह से पहले जो मैंने काम है वो पूरा नहीं किया था।
फिनिश्ड द वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, बाद में क्या है टाइम बताया इन्होंने, और बाद में फुल स्टॉप है। बाद में जो भी पीछे वो लगा देते हैं, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसमें इनकी इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, इसमें इसकी फॉर्मेशन होती है विल, सेल, आई हैव, सेल, आई हैव फिनिश द वर्क बिफोर मॉर्निंग। ठीक है, पहले क्या लग गई सेल या विल, बाद में क्या है सब्जेक्ट है, बाद में क्या है हैव है, बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद क्या है मार्कोफ क्वेश्चन है। तो ये होती है, इसकी हमने देख ली अफिर्म, इसकी हमने फॉर्मेशन देख ली अफिर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब हम देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ होता है, अब इसका यूज़ देखते हैं कि कहाँ होता है। इसका यूज़ होता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, कोई ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए कैसा हो विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, विच इज एक्सपेक्टेड, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड। By a certain time in future, by a certain time in future, कोई to express an action, कोई ऐसे action को बताने के लिए which is expected, जिसकी उम्मीद की जाती है, क्योंकि फ्यूचर में तो सारी एक्सपेक्टेशंस ही होती हैं कंप्लीट की, कंप्लीट हो जाएगा एक निश्चित टाइम तक, बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर की बात होगी, इन फ्यूचर। इसका एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल कहाँ होता है, आई शैल हैव टेकन बाथ, आई शैल हैव taken bath, I shall have taken bath before the sun rises, भाई सूर्योदय होने से पहले, before the sun rises, सुबह होने से पहले मैं क्या है नहा चुका हूँगा, तो पहले कौन सा काम हो चुका कहने वाने की है नहाने की, और सूरज कब उगेगा बाद में, और इसके एग्जांपल होते हैं ही विल हैव लर्नड, ही विल हैव लर्नड, ही विल हैव लर्नड दिस लेसन बाय this lesson by tomorrow, tomorrow तक क्या है मैं इस lesson को learn कर चुका होगा, याद कर चुका होगा, किसको, तो पहले क्या होगा future की क्या expectation है कि ये काम हो चुका, he will have learned this lesson कब तक, tomorrow तक, तो यहाँ पे कौन सा है future perfect tense है। फिर हमने देखा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है सेल हैव और विल हैव यूज होती है, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल हैव और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल हैव,
इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। हमने इसकी तीनों सेंटेंसेस अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसकी फॉर्मेशन देखी और अब हमने देखा कि इसका यूज़ कहाँ होता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ऐसे एक्शन को बताने के लिए विच एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड, कि ये काम पूरा हो जाएगा ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर पे, फ्यूचर में इतने ये निश्चित समय तक ये काम पूरा हो चुका होगा, तो वहाँ पे कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, यदि आप तो मैं शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से बोलो कि वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल आगे से आगे फैले। आप मुझे आशा है कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे काफ़ी सपोर्ट करोगे। धन्यवाद मुझे मेरी वीडियो देखने के लिए, इन्हें आगे शेयर करने के लिए।